हाय नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज है हैप्पी वाला संडे। मेरी तरह आप सभी संडे को अच्छे से एंजॉय कीजिए, दिल से यही दुआ करती हूँ। और अभी सुबह सुबह मैं छत पे खड़ी हूँ सुबह की धूप लेने के लिए, क्योंकि ठंडियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में मेरी हालत थोड़ी ख़राब सी ज़्यादा हो जाती है। खराब ही रहती है। तो मैंने सोचा धूप ले लेते हैं और चाय भी है साथ में। और सुबह 5 बजे से उठ के जो मैंने मेहनत करी है कचौड़ियाँ बनाने में, वो भी लेके बैठी हूँ, आपको दिखाती हूँ। धूप लेंगे, चाय पियेंगे। और मम्मी एक शादी में जाने वाली हैं तो सुबह सुबह ही जा रही हैं, तो उनको तैयार करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं आज क्या क्या करने वाले हैं एक बड़ी सी स्माइल संडे के लिए। हैप्पी संडे गाइस। तो हम आराम से बैठ गए हैं। हम रोटियां क्यों सुखाते हैं, बहुत लोग हो सकता है सोचें, तो हमें रोटियां इसलिए सुखाते हैं क्योंकि हमेशा गाय नहीं मिल पाती है, तो हम रख देते हैं। जब गाय मिल जाती है तो हम उसको खिला देते हैं। तो इसको जब भी देखिएगा ये मत सोचिएगा कि रोटियां सुखा के हम खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। और ये रही मेरी कचौरी, ये रही मेरी चाय। और संडे का दिन है, अच्छी सी धूप है, धूप बहुत ही हल्की हो चुकी है, पर सुबह के बज रहे हैं 8:30। ब्लॉग में बने रहिए हमेशा की तरह, जैसा मैं बोलती रहती हूँ। तो मासा ने एक नई चीज सीखी है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मासा नमस्ते करो, नमस्ते करो। मासा नमस्ते करना सीख गई है, फिर से नमस्ते कर दो बेबी। नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा सो के उठो तो नमस्ते करो, नमस्ते। बदमाशी से जैसा कि आज मम्मी जा रही हैं शादी में, तो वो तैयार हो रही हैं, लेकिन उनके साथ में सबसे ज़्यादा तैयार होने वाली जो लड़की है वो है माशा, क्योंकि मम्मी का लिपस्टिक उसके हाथों में आ चुका है। तो ये देखिए माशा तैयार हो रही है। मुंह दिखा दे बिट्टी अपन। माशा बस करा, बस लाग गड़े और ये याद है, मुंह दिखाओ। अरे वाह, तू तो जैसे हमारी घर की बेला वैम्पायर। मशा मशा मशा, तो ये रही बेला वैम्पायर। दोपहर के बज चुके हैं 1, और मासा के आज बाल कटवाने के दिन थे, तो सारा घर उन्हीं के पीछे आगे पीछे घूम रहा था। वो रो रही थी, उनको नहलाना धुलाना सुनाना ये सब मैंने कर लिया है। अब मुझे भूख लगी है, खाना खाएंगे। और जैसा कि आज संडे है तो आज है मूवी डे, तो मूवी देखेंगे। और ब्लॉग में बने रहिए, आपको भी दिखाएंगे कि हम कौन सी मूवी इंजॉय करने वाले हैं। तो ये रहा मेरा खाना, अचार दही, और सुबह जो मैंने कचौरियाँ बनाई थी, साथ में कल मैंने गुलाब जामुन बनाए। संडे मूवी बहुत ही अच्छी थी, हमें बहुत इमोशनल कर दिया, रुला दिया, हंसाया भी। मूवी देखने के बाद हमारा प्लान बन गया अचानक से मार्केट जाने का, तो वहाँ का वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, संडे मार्केट थी। वहाँ से लौटने के बाद रात हो चुकी थी, शाम के बज चुके थे 6, और मेरा दिया करने का टाइम हो गया था। कार्तिक मास जैसे कि चल रहा है, दीपदान का महीना है, तो अभी से ही स्टार्ट कर देती हूँ और फिर मैं करती ही रहती हूँ। कार्तिक मास में तो पूरा दीपदान करती हूँ, उसके बाद भी करती हूँ। ये रही शाम की हमारी चाय, और ये रहे हम, और मेरे साथ हैं किचन में मासा। आज लड़का बन गई है क्योंकि इसका हेयर कट हुआ है, तो इसके बाल काफ़ी छोटे हो चुके हैं। पता नहीं अंधेरे में दिख रहे हैं या नहीं। सोचा था कि मैं वीडियो शूट करूंगी जब इसका बाल कट हो रहा होगा, पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं जा ही नहीं पाई। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। आई होप आप सबका संडे बहुत अच्छा बीता हो। मेरे फिलहाल बाय बाय।